बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे प्यारे बहन भाई सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश पाश रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने यूट्यूब पे नसरुल्लाहवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मकाम पे आऊँगा, इतनी सपोर्ट मिलेगी, मुझे इतने मेरे प्यारे बहन भाई चाहने वाले होंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अकेला भाई था, मुझे हमेशा भाइयों की कमी महसूस होती थी। जब मैं यूट्यूब चैनल पे आया तो जो मुझे अपने बहन भाइयों की कमी महसूस होती थी तो वो सारी कमी मेरी ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट की, मुझे इतना प्यार मिला, इतनी ज़्यादा मेरी सपोर्ट की, तो मुझे ये सारी कमी मेरी दूर होगी। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने परवरदगार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया। और इसके बाद मैं अपने देखने वाले बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने और मेरी बेगम ने जो यूट्यूब पर 2-3 महीने मेहनत की है उसका सिला मुझे आज मिला है। ये बातें आप समझ तो गए होंगे कि ये सारी बातें मैंने क्यों की हैं। चलो जल्दी से अब हम आपको बता देते हैं और इंतज़ार आप नहीं करवाते। YouTube की जो फर्स्ट पेमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिसीव हो गई है। जब हमें पेमेंट मेल आई तो मैं बता नहीं सकता मुझे और मेरी बेगम को कितनी ज़्यादा खुशी महसूस हुई। हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त में वक्त गुजारा है, हमने बहुत तकलीफ़ें, दुख और तकलीफ़ें उठाई हैं। आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि जो है वो खुशी के साथ जो मैं आप बहन भाइयों को बता नहीं सकता कि इतनी ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हुई है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना, लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ये मुझे खुशी नसीब हुई है। सबसे पहले तो मैं भी अपने बहन भाइयों को शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारी मजबूरियों को समझा और हमारे हालात को देखते हुए हमेशा हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला में जो हमें देखते हैं बहन भाई उनको भी लाखों करोड़ों खुशियाँ अल्लाह पाक नसीब फरमाए। अच्छा मैं अपने बहन भाई को और भी बात बताती हूँ एक, कि यूट्यूब जब से हमने चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर पेमेंट आने तक हमारा सफ़र कैसा रहा ये भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। हमने बहुत सी मुश्किल का सामना किया, बहुत से लोगों की बातें भी सुनी, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह ताला पर भरोसा रखा, अपने देखने वाले बहन भाइयों की सपोर्ट थी, अल्लाह ताला ने हमारी हर मुश्किलात को आसान किया। अच्छा भी भाई थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सू बहुत सपोर्ट किया इस काम से, सू लैके आए भी तुम बाजी चैनल बना लो, एक ना एक दिन चलो अल्लाह ताला तुम अपना घर बना लो, कि अल्लाह पाक तुम देगा। हाँ जी देखो बाजी है तो बिल्कुल बहन भाई सारे खुश हो, बहन भाइयों में भी खुशी होंगी है। हाँ जी, तो ना ही साड़ी ऐसी तबीयत हुई, ना ही ऐसा सा टीचर ने सू क्या भी तुम अगर खुद खाते पीते तो बहन भाइयों नहीं लैके आओ। तो बहन भाइया खुश हो तो इंसान खुद भी खुश हों, देखने वाले बहन भाई भी खुश होंगे। जिस तरह हम असी अगर थोड़े चो हालात खराब से सूँ भी दुख आता से देख के, तो सूँ भी जो बच्चे चीज़ा मांगते थे इन्ना कुछ कहें, तो साढ़े भी दिल जाते कि साड़ी बहन भी अच्छे घर बनाए, अच्छा मतलब उन्होंने फ्यूचर बन जाए बच्चों का। तो बाकी थोड़ी अपनी मेहनत असी तो सिर्फ एक चैनल क्रिएट करके दिता थानू, बाकी जोड़ा भी है अपनी मेहनत आप की, अपनी आप वीडियो बनाई सारी मेहनत तुम आप की है, तो यह क्रेडिट थानू दोनों जाता, देखने वाले बहन भाइयों जाता जिन्होंने इन्ना सपोर्ट किया है। तो अल्लाह ताला भी खास करम रहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी इज्जत दी, इतना मुकाम इस ते लेके आया। ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे इंसान जितनी मेहनत करे, जितनी यानी कि अपनी लगन ना काम करे, उतना ही उसते यानी कि उसका फल मिलता, उसका उस तरक्की होती है। ये तो असी बहुत बहुत अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने सानू इस मुकाम ते लैके आए हैं। भाई फयाज, भाई अली है कोई नहीं इत्थे, ते लेकिन उसका भी असी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशल घर जावांगे, उसका शुक्रिया अदा करांगे।
ते साडा यानी कि उस जात ने अल्लाह ताला ने सानू इस कदे नहीं सी सोचा कि असी जिस वक्त हमने चैनल बनाया था काफ़ी सी बातें भी सुनी, रिश्तेदारों ने भी की, लोगों ने भी की बातें, तो इसके पैसे नहीं मिलते, ये फ्रॉड है, ये वो इस तरह की, तो हमने तो मेहनत की है 2-3 मंथ, तो हमें तो उसका सिला मिल गया। मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि ये बात सच्ची है कि इसके वाकई पैसे भी मिलते हैं, अपनी मेहनत का फल अल्लाह ताला सभी को देता है। अभी दूसरी बात ये है ना कि जो लोग बातें करते हैं ना, मुझे ये बताएं, अगर एक नर्स है, डॉक्टर है, लोग उससे भी बातें करते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप कोई ऐसी फील्ड मुझे बता दें जिसमें औरत को कहा जाता है कि ये काम ठीक है। नहीं, वो अब दौर नहीं रहा कि जहाँ मतलब लोग कहते हैं कि औरत को पाँव की जूती समझा जाए, ठीक है। आप लोग अब देखें, हम लोग कौन से मतलब गलत काम तो नहीं, हम लोग जो हमारी डेली रूटीन होती है वो हम शेयर करते हैं, देसी माहौल हमारा होता है, जो कि देखने वाले बाहर जो हमारे बहन भाई रहते हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं और अपने बच्चों को ये चीज़ दिखाते हैं कि हमने भी ऐसा वक्त गुजारा है, तो लोग गाँव में किस तरह रहते हैं, वो ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी वीडियो में, यही होता है। इसके अलावा ना हमने कभी कोई ऐसी मतलब एक कोई बेहुदा बात नहीं की, बेहुदा हरकत नहीं होती हमारी वीडियो में। एक तो मतलब फैमिली में देख के जितने भी हमारे देखने वाले बहन भाई हैं वो यही कहते हैं कि भाई आप लोगों की वीडियो ऐसी होती हैं कि हाँ फैमिली में बैठ के वीडियो आप लोगों की देख सकते हैं। हाँ जी, तो गैर इखलाकाना हमने कभी भी कोई बात नहीं की, ना ऐसी कोई हमने वीडियो बनाई है, हमेशा हम फैमिली के साथ वीडियोज़ बनाते हैं। अब देखें, आप ये वीडियो बनाती हैं भाई के साथ, इनके हस्बैंड हैं, ठीक है, एक वीडियो जस्ट है, तो वीडियो में से निकाल के कोई भी बंदा किसी को खा नहीं जाता। पहली बात तो ये है कि आपकी सोच अगर सही है, आप लोग खुद सही हैं, तो कोई भी बंदा गलत नहीं है। अगर आप गलत हैं, आपकी सोच गलत है, तो आप कोई भी फील्ड उठा लें, मुझे बता दें कि उसमें औरत को इज्जत मिलती हो, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। जब हम अपने गिरेबान में झांक के गए ना कि हम क्या किसी के बारे में सोचते हैं, हमारी सोच क्या है, हम कहते क्या हैं, तो तब इंसान को पता चलेगा कि फिर इंसान ठीक ही हो जाएगा ना, जब इंसान अपने गिरेबान में झांकेगा। तो बात यह है कि दूसरों पे बातें करना आसान होती हैं, और बहुत से हमारे अपनों ने भी बातें की हैं, हमें भी पता है जो बातें करते हैं, तो ये नहीं है कि नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा बहन भाई मुझे कहते हैं। पिछले दिनों में एक मेरी बहन से बात हो रही थी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं, हालाँकि वो फैसलाबाद से थी, तो मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि हम भी पहले फैसलाबाद रहते थे, हमारे अब्बू जी लोगों ने फिर यहाँ रकबा ले लिया था दादाजी लोगों ने, तो जब उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने कहा भाई मैं भी फैसलाबाद से हूँ, तो मतलब मैं, उन्होंने कहा कि मैं अच्छे बड़े शहर से हूँ, तो मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो लोग मुझे बातें सुनाते हैं, मेरे मोहल्ले वाले हमें बातें करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जाती है। तो देखें, आप दुनिया का मुँह बंद नहीं कर सकते, किसी का भी मतलब हर किसी की अपनी सोच है, तो किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए गलत है। तो बात करने का जो मकसद है, जो मैं बात कर रहा था कि हमारे अपने ऐसे हैं जो कि खुद सिस्टर्स जो हैं वो जॉब भी करती हैं, सारा कुछ करती हैं, वो हालांकि ठीक है, उन्हें लगता है कि ये काम गलत है, वो सही है। पिछले दिनों में मैं एक वीडियो भी देख रहा था कि उस भाई ने उस वीडियो में जिक्र किया था कि मैं एक बस पर जा रहा था, कहती है एयर होस्टेस जो होती है ना, उसने उस भाई ने बोला कि आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें, लाखों कमाएँगी और इस काम से वो बेहतर भी है। तो उसने कहा कि नहीं जी, मुझे इस बात की मेरे वालदैन ने परमिशन नहीं दी। अब देखें, ये बात बस में जाना, गैर मर्द भी होते हैं, मतलब हर इंसान किसी दूसरी औरत को इज़्ज़त नहीं देता, मैंने खुद भी देखा, मैं खुद भी सफ़र मैंने किया है। तो उस भाई ने कहा कि मैं आप चैनल क्रिएट कर देता हूँ, मैं आपकी शॉर्ट आउट भी दूँगा, आपका चैनल भी मोनिटाइज होने तक मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो उसने कहा नहीं जी, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे वालदैन जो है ना वो परमिशन नहीं देते। बस में जाना उन्होंने मुनासिब समझा, और लोगों की जो एक रियलिटी में बातें होती हैं वो सुनना मुनासिब समझा। तो अब देखें, ये मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये है, और बहुत से बहन भाई पढ़े लिखे भी इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अब तकरीबन नौकरियां तो मिलती नहीं है यार, किसी को भाई को देख लें, मैं भी BA के फाइनल ईयर के मैंने एग्ज़ाम देने, कोई नौकरी वोकरियाँ नहीं है। मेरे अपने हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, MSc की हुई है, लेकिन कोई किसी को पूछता तक नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत भी आपको मिलती है, और इसके साथ साथ जो है ना आपका एक मुकाम बन जाता है। और इसमें यह है कि आप अपने घर में बैठ के कमा सकते हैं, घर में बैठ के आप करेंगे काम, किसी भी गैर मर्द के साथ आपको जाके काम नहीं करना पड़ेगा। हमारी बहनें हमारे साथ काम करती हैं, हम भाई हैं उनके, और
आप ही के ये हस्बैंड है, यही काम करते हैं। हम बाहर भी ज़्यादा घूमने नहीं जाते, अपने घर में रह के अपनी रूटीन दिखाते हैं। तो जो लोग बातें करते हैं हम यही कहते हैं कि खुदा आपका भला करें, किसी का मुंह तो बंद किया नहीं जा सकता। खैर, तो बातें तो सभी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जहाँ भी रहेंगे आसपास के लोग आपकी सबसे ज़्यादा हसरत करेंगे, जलेंगे आपकी कामयाबी को देख के। और उसके अलावा जो आपके जो एक शरीक होते हैं ना, जो के रिश्तेदारों में होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जलते हैं। ये बात तो 100% सच है ना। और बहुत से बहन भाइयों ने मुझे ये बातें कही हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार ऐसे वैसे, तो भाई देखें ये हर जगह ऐसी बात है कि जहाँ भी रिश्तेदार होंगे वहाँ लोग ऐसी बातें करेंगे ही करेंगे, आपसे जलेंगे ही जलेंगे। वो आप में जब आप एक कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होंगे तो वो तरह तरह की बातें करेंगे आपस में बैठ बैठ के। तो होता है हमारे यहाँ, हमारे भी करते हैं, ये नहीं नहीं करते, लेकिन हमने कभी नहीं उनकी तरफ ध्यान दिया। जब हमने एक काम करना है, हमारा गलत काम नहीं है, हम गलत काम नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कि किसी को बात करनी चाहिए। आप देखें नहीं देखने वाली होती है। और हमारा जो कल्चर है वो देसी कल्चर है, और देसी माहौल पर हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो ये फैमिली में देख के देखने वाली बातें, और आप बना सकते हैं ये वीडियोज़। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने भी बातें बहुत सुनी हैं, मैंने बहुत ज़्यादातर यार बातें सुनी हैं, और इसके अलावा सब ने सुनी है बातें। खैर, बातें तो हर कोई सुनता है। जो भी यूट्यूबर है आप कहें ना कि ये बातें नहीं सुनता, ये हो ही नहीं सकता। आप टेक के चैनल को ले लें, जो कि एक नॉलेज देते हैं सबको कि आपने ये काम करना है या यूट्यूब पे ये काम नहीं करना। वो क्या है, एक हमारे टीचर हैं, ठीक है। हम तो लोग तो उन्हें नहीं माफ़ करते। मैं उनके जाके कॉमेंट्स पढ़ रहा था, मैं वीडियो भी देख रहा था एक, तो वो भी कह रहे थे कि यार हम क्या करते हैं। वो भी भाई ने वीडियो बनाई थी कि यार आप लोग हमें बुरा भला बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम तो सिंपल सी वीडियो बना के 4-5 मिनट की अपलोड कर देते हैं, आपको बताते हैं, आप लोग हमें आके गालियां देते हैं। तो भाई जो मर्ज़ी हो, जाए जैसा मर्ज़ी आप कंटेंट क्रिएट कर लें, उसमें ऐसे कुछ चांद एक लोग आएंगे ही आएंगे आपको हेट करने के लिए। तो बस ये चीज़ें आप इग्नोर करें, यही बताया था आप ही को भाई को कि आप इग्नोर करें इन चीज़ों को। बस आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है और अपनी सीधी राह पे जाना है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। और यही इन्होंने कहा कि आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में इनकी पेमेंट आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी भी इज्जत रखी, हमारा मान रखा, और आज अच्छा खासा इनका जो एक निज़ाम है वो बन गया है। अब तो हर मंथ इन्हें पेमेंट मिलेगी, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। और मैं भी अपने देखने वाले बहन भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इज्जत रखी, हमारा मान रखा। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रब सुनने के बाद रब रखा, अल्लाह हाफिज़।